हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बडी. माय सेल्फ कृष्णा यादव. टुडे आई शैल कंटिन्यू द चैप्टर 5 द पर्पल जार फ्रॉम द बुक रेजोल्यूशन क्लास 10 इंग्लिश. इन आवर लास्ट सेशन वी जस्ट रेड अबाउट द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 28 टू 30. नाउ आई शैल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 31. बट बिफोर दिस आई वॉन्ट टू गिव सम क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. The whole story is about a 7-year-old girl, Rosamund. Rosamund wants to buy a purple jar. Purple jar means just like a flower pot. She was very fascinated to buy that purple jar. But she has also a choice to buy a new pair of shoes. It means उसके सामने दो ऑप्शन थे कि वो purple jar को खरीदे या फिर अपने new shoes के pair को खरीदे. But what will be her decision? So let's read about. In last topic, she was sitting in a shoemaker shop with her mother. अब उसकी मदर उसको बोलती है कि तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या खरीदना है, पर्पल जार या न्यू पेयर ऑफ शूज. सो अब रोजमंड बोलती है, मामा यस आई बिलीव इफ़ यू प्लीज आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, दैट इज If you want, tell, think me very silly, mama. उसकी मामा उसको बोलती है कि choice करो क्या करना है. तो जो Rosamund है वो reply करती है, मामा मुझे believe है कि अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं flower pot को ख़रीदना चाहूँगी. और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं flower pot को ख़रीदती हूँ तो आप मुझे silly समझोगे, मूर्ख समझोगे. तो उसकी मदर reply करती है, why as to do that? I can't promise you, Rosamund, but when you are to judge for yourself, you should choose what will make you the happiest. And then it would not signify who thought you silly. Very good. कितनी अच्छी बात बोली उसकी मदर ने कि मैं प्रॉमिस तो नहीं करती कि मैं तुम्हें सिली नहीं समझूंगी रोजमंड, लेकिन कुछ भी जज करने से पहले खुद के बारे में सोचना कि तुम उस चीज़ को चूज़ करो या तुम्हें वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए जो तुम्हें हैप्पीएस्ट फील करवाए, तुम्हें खुशी दे. और मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अपनी कोई हैप्पीएस्ट थिंग को चूज़ करोगी तो वो तुम्हें मूर्ख साबित करेगी. देन मामा इफ दैट्स ऑल आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट. सो द रोजमंड हैड डिसाइडेड दैट वॉट विल शी डू. यस शी वॉन्टेड टू बाय दैट पर्पल जार, शी वॉन्टेड टू बाय दैट फ्लावर पॉट. शी पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन, सो आई चूज द फ्लावर पॉट. वो उसका जो पुराना जूता होता है उसको वापस नीचे रखते हुए बोलती, ठीक है अब मैंने चूज़ कर लिया, सो माई डिसीजन इज टू बाय दैट फ्लावर पॉट. वेरी वेल, यू शैल हैव इट, क्लैस्प योर शू एंड कम अगेन. कि वेरी गुड, तुमने वही डिसीजन लिया जो तुम्हें लेना चाहिए था. क्लैस्प मींस होता है ग्रैब, कि अपने शू को पकड़ो और चलो घर चलते हैं. रोजमंड क्लैस्प्ड हर शू एंड रेन आफ्टर हर मदर. कि रोजमंड अपने हाथ को उस शू को पकड़ती है और बाद में उसकी माँ के पीछे भागने लग जाती है. इट वॉज़ नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हील. और जब वो शूज़ को पहनती है तो बहुत देर तक उसका शूज़ है उसके पैर में नहीं रहता, बार बार उसकी जो हील है उसे निकल जाता है. एंड मैनी टाइम्स वॉज शी अप्लाइज टू स्टॉप टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शू. और काफ़ी बार उसे अपने शू के जो होल था उसके अंदर से जो स्टोन उसके पैरों में चुभ रहे थे उन स्टोन को भी निकालना पड़ रहा था. एंड ऑफन वॉज शी ऑब्लाइज टू लिम्प विद इन पेन. और कई बार उसे लिम्प मींस होता है दर्द से कराना, और कई बार वो स्टोन उसके पैर में इतनी तेज चुभता कि वो दर्द से भी करा उठती. बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट प्रिवेल एंड शी परसिस्टेड इन हर चॉइस. लेकिन अभी तक भी जो पर्पल फ्लावर पॉट खरीदने की जो उसकी इच्छा थी, उसके जो थॉट थे वो बहुत ज़्यादा प्रबल थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. प्रिवेल मीन्स टू स्ट्रॉन्ग, और पर्सिस्टेंट मीन्स टू डिटरमाइन. लेकिन अभी तक भी वो अपनी चॉइस पे अड़ी हुई थी, डिटरमाइन थी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे शू फटे चाहे स्टोन चुभे, मुझे तो सिर्फ फ्लावर पॉट ही चाहिए. व्हेन दे केम टू द शॉप द लार्ज विंडो, रोजमंड फेल्ट हर जॉय रीडबल अपॉन हियरिंग हर मदर डिजायर द सर्वेंट. अब जब वो शॉप पे आते हैं उस बड़ी सी विंडो के सामने खड़े होते हैं तो वापस वो देखती है, वापस उससे उसकी जो जॉय है वो रीडबल हो जाती है. रीडबल मीन्स और दोगुनी हो जाती है. अपॉन हियरिंग हर मदर डिजायर द सर्वेंट हु वॉज विद देम, वो देखते हैं कि उनके पास एक जो उस दुकान का जो सर्वेंट था वो भी खड़ा था टू बाय द पर्पल जार. किसको खरीदने के लिए? पर्पल जार को खरीदने के लिए. एंड ब्रिंग इट होम, और घर लाने के लिए. ही हैड अदर कमीशन सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम.
उसके कुछ और भी कमीशन थे तो उसने उनको रिटर्न नहीं किया, जो पैसे थे जो चेंजेस थे वो भी रख लेते। रोजामंड एज सून एज शी गॉट इन रेंट टू गैदर ऑल हर ओन फ्लावर्स विच शी हैड इन अ कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन। अब वो जब घर पहुँचते हैं तो उसके पास जितने भी उसके गार्डन में फ्लावर होते हैं वो सारे के सारे गैदर करने के लिए भाग जाती है कि जल्दी से मैं जाऊँ सारे फ्लावर्स कलेक्ट करूँ और जितने भी फ्लावर्स हैं मैं उस फ्लावर पॉट में रख सकती हूँ सब कर दूँ, सब रख दूँ। आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स रोजामंड। रोजामंड को लगता है कि जब तक वो फ्लावर पॉट उनके घर तक आएगा कहीं ये सारे के सारे फ्लावर्स है वो डेड ना हो जाए, मुरझा ना जाए। सेड हर मदर टू हर वैन शी वॉज कमिंग इन विद द फ्लावर्स इन अ लैप, लैप मीन्स होता है गोद में, कि वो जब घर के अंदर एंटर करती है उन फ्लावर्स के साथ और अपनी गोदी में सारे के सारे फ्लावर्स कलेक्ट करके लाती है तो मदर से बोलती है मदर कहीं ऐसा ना हो कि फ्लावर पॉट घर तक पहुँचे तब तक ये सारे फूल मुरझा जाएँ। नो इंडीड ममा इट विल कम होम वेरी सून आई डेयर से एंड शांट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इन टू द पर्पल फ्लावर पॉट। फिर वो खुद का ही आंसर देती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जल्दी ही जो होगा वो फ्लावर पॉट आ जाएगा और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जैसे ही उस पर्पल फ्लावर पॉट में सारे फ्लावर्स रखूँगी वापस से उतने ही अलाइव लगेंगे। नो इंडीड ममा आई होप सो माई डियर, उसकी मदर कहती है मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम दैन रोजामंड हैड एक्सपेक्टेड, कि रोजामंड की जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा देर में सर्वेंट आता है। बट एट लेंथ ही केम एंड ब्रॉट विद हिम द लॉन्ग विस्ट फॉर जार, लेकिन जब वो आया तो उसकी जो भी आने की देरी थी वो जब उसने पर्पल जार को देखा तो सारी की सारी कंप्लेंट्स ख़त्म हो गई। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल रोजामंड रैन अप टू इट विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, और जब वो मोमेंट आया कि उस फ्लावर पॉट को टेबल पे रखा गया रोजामंड फुल ऑफ जॉय थी, फुल ऑफ एंजॉयमेंट थी, ही वॉज ऑन द सेवंथ फ्लोर ऑफ द स्काई, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। आई मे हैव इट नाउ मामा, वो कहती माँ क्या अब मैं इसको ले सकती हूँ, क्या अब ये मेरा है? यस माई डियर इट इज़ योर्स, कि हाँ बेटा अब ये सेफ और सिर्फ तुम्हारा है। रोजामंड पॉट द फ्लावर्स फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, कि उसने क्या किया जितने भी उसकी गोदी में फ्लावर्स रखे होते सारे के सारे उस फ्लावर पॉट में रख दिए। पॉट मीन्स होता है उंडेलना, लेकिन यहाँ पे बिकॉज वो लिक्विड नहीं थे तो इट मीन्स उसने बड़े एक्साइटमेंट से सारे फ्लावर्स उस पर्पल जार में रख दिए। ओ डियर मदर क्राइड शी, बहुत खुशी से चिल्लाती है ओ ममा, एज सून एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप बट देयर समथिंग डार्क इन इट। अब वो जब उस पर टॉप पे जाने के लिए देखती है कि हाँ मुझे फ्लावर्स रखने हैं पर रखे नहीं जा रहे थे तो देखती है कि उसके अंदर कुछ डार्क डार्क थिंग थी। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबल व्हाट इज़ दैट, और वो जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट थी, उसे पसंद नहीं आई, उसने क्या है इसके अंदर डार्क डार्क क्या है, वो बहुत अजीब सी स्मेल थी। आई डिडेंट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ, मैं कहती मुझे ये ब्लैक स्टफ नहीं चाहिए इस पर्पल फ्लावर पॉट में, हटाओ इसको। नॉर आई माई डियर, उसकी मदर कहती हाँ मुझे भी पसंद नहीं आ रही। बट वॉट शैल आई डू विद इट ममा, कहती लेकिन मुझे करना क्या चाहिए इसके साथ। नाउ कम टू द पेज नंबर 32 दैट आई कैन नॉट टेल, वो कहती मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं बता सकती क्या है। बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी ममा, वो कहती लेकिन ममा मेरे लिए किसी यूज़ का ही नहीं है, जो ब्लैक स्टफ जो पर्पल जार में फिल किया गया है मेरे किसी काम का नहीं है। बट आई कांट हेल्प, तो उसकी मदर रिप्लाई कहती लेकिन मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बट आई मस्ट पॉर इट आउट एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर। अब यहाँ पे रोजामंड एक डिसीजन लेती है कि नहीं नहीं जो मैं इसके अंदर जो ब्लैक स्टफ है इसको पॉर आउट कर दूंगी, उसको बाहर निकाल दूंगी और इस पूरे फ्लावर पॉट को पानी से भर दूंगी। दैट्स एज यू प्लीज माई डियर, उसकी मदर कहती ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें खुशी दे वैसा करो। विल यू लैंड मी अ बाउल टू पॉर इट इनटू ममा, वो मदर से रिक्वेस्ट करती कि क्या आप मुझे इस जो ब्लैक स्टफ है इसको निकालने के लिए फ्लावर पॉट जो बाउल है वो अवेलेबल करवाओगे, मेरे लिए बाउल लेके आओगे ताकि मैं सारे के सारा ब्लैक स्टफ उसमें पॉर आउट कर दूँ। दैट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू माई डियर बट आई विल लैंड यू, कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया जितना मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक बॉल लेके आती हूँ। द बॉल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजामंड प्रोसीड टू एम्प्टी द पर्पल वास, कि बॉल लाया गया, रोजामंड ने उस प्रोसेस को कंप्लीट किया, पर्पल जार को खाली किया। बट वॉट वॉज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई, बहुत ज़्यादा निराश हुई, वैन इट वॉज एंटायरली एम्प्टी टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर अ पर्पल वास, लेकिन जैसे ही उस पर्पल जार को खाली किया गया अब वो पर्पल जार पर्पल नहीं रहा, इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार। अब वो क्या हो गया, एक प्लेन वाइट ग्लास जार की तरह हो गया, लाइक अ प्लेन
वाइट ग्लास विच हैड अपीयर टू हैव दैट ब्यूटिफुली कलर मेयरली फ्रॉम द लिकर विद विच इट हैड बीट फिल्ड. और शायद उसके अंदर वो पर्पल जार इसीलिए दिख रहा था क्योंकि वो स्टफ उसके अंदर फिल किया गया था. जैसे स्टफ को बाहर निकाला गया पर्पल जार टर्न इंटू अ प्लेन वाइट ग्लास जार. लिटिल रोजामंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. बेचारी रोजामंड बहुत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे. वाई शुड यू क्राई माई डियर सेड हर मदर. उसकी मदर कहती है तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्यों रोना चाहिए. इट विल बी एज मच यूज टू यू नो एज एवर फॉर अ फ्लावर पार्ट. कि ये तो नॉर्मल फ्लावर पार्ट की तरह ही, अब क्या हुआ इसमें रोने की बात क्या है. बट इट वॉन्ट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस. आई एम श्योर इफ आई हैड नोन दैट इट वॉज बट नॉट पर्पल रियली पर्पल आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच. वो कहती लेकिन अब इतना सुंदर नहीं लगेगा ये चिमनी पीस की तरह. अगर मुझे पहले पता होता कि ये प्लेन वाइट ग्लास जा रहा है तो मैं इसे कभी भी लेने की इच्छा नहीं करती. बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिनेट एंड इट एंड परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड. वो अब उसकी माता उसको रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जाओ उसको एग्जामिन करो. अगर तुम उसको एग्जामिन करती तो शायद आज इतनी डिसअपॉइंट नहीं होती. अब रोजामंड रिप्लाई करती है एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इन डीड. आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड. नाउ आई हैड मच रैदर हैव द शूज फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ. इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली. मम आई विल गिव द फ्लावर पॉट बैक अगेन एंड दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल इफ यू विल ओनली गिव मी द शूज. यहाँ पे रोजामंड को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है. वो सोचती है कि क्या हुआ मेरे साथ. अब वो कहती है कि ममा अगर मैं डिसअपॉइंट हूँ तो शायद मुझे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपकी जो बातें थी उनको मानना चाहिए था, आपको सुनना चाहिए था. काश मैं इस पर्पल जार की जगह उन ब्लैक शूज़ के पेयर को खरीद पाती. अब मैं उन शूज़ की वजह से पूरे मंथ अच्छे से भी नहीं चल पाऊँगी और वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे. एक्सीडिंगली मीन्स वेरी मच. अब वो ममा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है. मामा अगर मैं आपको वापस ये फ्लावर पॉट उस ब्लैक स्टफ के साथ भर के वापस आपको दे दूँ तो क्या आप मुझे वापस से शूज़ दिला दोगे. मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. मदर बोलती नो रोजामंड यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस. अबाइड मीन्स होता है टू टॉलरेट, सहन करना. एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर. कि नहीं रोजामंड तुमने अपनी चॉइस की थी, अब तुम खुद उसे झेलो और तुम्हें झेलना भी चाहिए, सहन भी करना चाहिए. सबसे अच्छी थिंग इसे क्या है कि जो तुमने अब सहन किया है, जो डिसअपॉइंट तुम्हें मिली है, अब उसे गुड ह्यूमर के साथ, खुश मिजाजी के साथ उसे सहन करो, उसे झेलो. आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन. रोजामंड बड़े ही उदासी से जवाब देती है कि ठीक है जितना मैं सहन कर सकती हूँ मैं करूँगी. वाइपिंग हर टीयर्स एंड शी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वास विद फ्लावर्स. रोजामंड अपनी आंखों से आंसू को पूछती है और वापस बड़े दुखी मन से वापस से उस वास में, उस पर्पल जार में फ्लावर्स को रख देती है. बट रोजामंड डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हियर. लेकिन रोजामंड की निराशा अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी. मैनी वर द डिफ़िकल्टीज एंड डिस्ट्रेसेज इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस ब्रॉट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ. इम्प्रूडेंट मीन्स होता है केयरलेस. कि उसकी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और जो लापरवाही उसने की थी उसका रिजल्ट तो अभी एंड ऑफ द मंथ तक चलना था. एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स. धीरे धीरे उसके शूज़ और बुरे और बेकार और फटते जा रहे थे. टिल एट लास्ट शी कुड नीदर रन डांस जंप नॉर वॉक इन दैम. अब धीरे धीरे उसके शूज़ इतने पुराने हो गए कि न तो वो भाग सकती थी, न वो डांस कर पाती थी, न वो कूद पाती थी और इवन वो चल भी नहीं पाती थी. व्हेनेवर रोजामंड वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग. कि जब भी रोजामंड कुछ देखना चाहती या कुछ करना चाहती, शी वॉज पुलिंग हर शूज़ अप एट द हील्स एंड वॉज श्योर टू बी टू लेट. हमेशा क्या किया, जब भी उसको बुलाया जाता वो अपने शूज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की कोशिश करती कि हाँ मैं भागूँ या चलूँ तो कहीं शूज़ निकले नहीं. लेकिन उसके शूज़ बार बार निकलते और उस काम में लेट हो जाती. वेन एवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वॉक शी कुड नॉट टेक रोजामंड विद हर. जब भी उसकी मदर बाहर वॉक पे जाती वो रोजामंड को नहीं लेके जाती ड्यू टू द टॉर्न एंड वॉर्न शूज़. फॉर रोजामंड हैड नो सोल्स टू हर शूज़. अब तो उसके शूज़ के जो नीचे का सोल रहता है वो सोल भी नहीं था. एंड एट लेंथ ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ
और जब लास्ट डे था मंथ का, इट हैपन्ड दैट हर फादर प्रपोज टू टेक हर विद हर ब्रदर टू अ ग्लास हाउस विच शी हैड लॉन्ग विश टू सी। अब उस मंथ की लास्ट डेज में कुछ ऐसा हुआ कि रोजमन को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। लास्ट मंथ में, उस मंथ के लास्ट डे में, उसके जो फादर थे उसके ब्रदर के साथ उसको ग्लास हाउस दिखाना जाना जाने के लिए ले जाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, जिस ग्लास हाउस को देखने की रोजमन की बहुत दिन से इच्छा थी, काफ़ी दिन से उस ग्लास हाउस को देखना चाहती थी, आज उसके फादर ब्रदर उसे ले जाना चाह रहे थे। लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। बट वेन शी वॉज क्वाइट रेडी, हैड हर हैट एंड ग्लव्स ऑन एंड वॉज मेकिंग हेस्ट डाउन स्टेयर्स टू हर ब्रदर एंड फादर हु वर वेटिंग फॉर हर एट द होल डोर, द शू ड्रॉप्ड ऑफ। शी पुट इट ऑन अगेन इन अ ग्रेट हरी, बट एज शी वॉज गोइंग क्रॉस द हॉल हर फादर टर्न्ड अराउंड। कि क्या हुआ, जैसे ही ग्लास हाउस जाने के लिए रेडी हुए, जल्दी, वो बहुत खुश थी, बिल्कुल पूरी तरह से रेडी भी हो गई थी, उसने हैट भी पहन ली थी, ग्लव्स भी पहन लिए थे, और जल्दबाजी में, हेस्ट मीन्स होता है हरी, और जल्दबाजी में जब सीढ़ियों से उतरने लगी अपने मदर, अपने फादर ब्रदर के पास आने के लिए, जो कि उसका होल डोर पे वेट कर रहे थे, उसका जो शू था वो ड्रॉप्ड ऑफ, मीन्स नीचे गिर गया, खुल के नीचे गिर गया। उसने वापस पहना बहुत जल्दबाजी में, लेकिन जब तक वो हॉल क्रॉस करती तब तक बाबा शूज खुला, उसके फादर ने मुड़ के उसकी तरफ देखा। व्हाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, कि तुम ऐसे अटक अटक के क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विथ मी, वाई रोजमन, कि तुम्हें ऐसे मेरे साथ नहीं चलना चाहिए, रोजमन ऐसा क्यों कर रही हो। सेड ही लुकिंग एट हर शूज विद डिस्कस्ट, डिस्कस्ट मीन्स हेट, बड़े घृणा से उसकी तरफ देखते हैं, खींचते हुए उसकी तरफ देखते हैं। आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, गो, आई कैन नॉट टेक विथ यू विथ मी। अब वो कहते हैं कि तुम्हें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और मैं आज तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। रोजमन कलर्ड एंड रिटायर्ड, कलर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके चेहरे का कलर उठ जाता है और बिल्कुल रोने लग जाती है। ओ मामा, रोते रोते कहती है मामा। सेड ही एज शी टुक ऑफ हर हैट, और अपनी हैट उतारते हुए बोलती है, हाउ आई विश दैट आई हैड चूजन द शूज, दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी देन दैट जार। हाउ एवर आई एम श्योर, नो नॉट क्वाइट श्योर, बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम। अब वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लेती है, पहले कुछ रिग्रेट और फिर डिसीजन। रिग्रेट फील करते हुए कहती है कि मैं कैसे जो शूज़ है उनको नहीं चुना मैंने, मैं कैसे एक पर्पल जार को चूज़ कर सकती हूँ, जबकि पर्पल जार से ज़्यादा यूज़ मेरे लिए किसका था, उन शूज़ का, ब्लैक शूज़ का। अब मैं श्योर नहीं, क्वाइट श्योर हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धिमत्ता से काम लूँगी। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय मारिया एज़ुआ। I hope that you also have learned from this chapter. What? कि हमें जब भी लाइफ में टू सिचुएशंस मिले, इट मीन्स टू वेज मिले, तो हमें हमेशा बहुत वाइज तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, दैट विच थिंग इज यूजफुल फॉर अस एंड वॉट विल बी गुड फॉर अस, कि क्या हमारे यूजफुल है और क्या हमारे लिए अच्छा होगा। सो थिंक ट्वाइसली बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। आई होप दैट यू ऑल understand this chapter very well. Still, if you have any confusion, you can message me. Have a nice day. Keep stay happy and healthy at your homes, and always be happy and keep happy. Have a nice day.